अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तालिबान कह रहा है कि ये बदला हुआ तालिबान है, लेकिन क्या वाकई में बदला हुआ है? हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया शिनेट जी। सुप्रिया जी, तालिबान कह रहा है कि ये बदला हुआ तालिबान है, महिलाओं को जगह मिलेगी, लेकिन वाकई में लग रहा है कि ये बदला हुआ तालिबान है जो उसका एक्सपीरियंस है या जो तस्वीरें हैं? देखिए, ऐसा है कि तालिबान की, अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर और बेहद चिंताजनक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिकुलेशन है ये चुनी हुई सरकार को करना पड़ेगा। विदेश नीति चुनी हुई सरकार की होती है। अभी तक सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बिलीव वी हैव बीन कॉट नैपिंग। दोहा में हमारी क्या बात हुई, हमारी क्या पॉलिसी है, हम कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं अपनी खुद की सुरक्षा, क्योंकि अभी तक हमारे दो फ्रंट खुले थे, पाकिस्तान और चाइना से। सबको पता है अफगानिस्तान को पाकिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान चीन के इशारों पर नाचता है। ये सारी बहुत गंभीर बातें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है अभी वो इस पर विस्तृत जानकारी दे, राष्ट्र को भरोसे में लेकर जानकारी साझा करे और विदेश नीति पर वो बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विपक्ष के होने के नाते और एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते मैं ये कहूँ। लेकिन तालिबान की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो है सरकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो न्यूज एंकर्स हैं अब उनको जो है बैन कर दिया गया कल तक। तस्वीर कहूंगी मैं इस पर नहीं वक्तव्य दूंगी। महिला सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, पूरे विश्व में जरूरी है, लेकिन इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आना चाहिए कि हमारी सरकार को विदेश नीति के बारे में क्या लगता है, हमारा क्या रिलेशनशिप होगा अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ। ये वक्तव्य मुखर सरकार कर सकती है, विपक्ष इस पे सरकार के बोलने के बाद बोलेगा। हम चिंतित हैं कि अभी तक सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला, हम जानना चाहते हैं क्या। एक जानकारी और सामने आई, एक बयान सामने आया है सज्जाद नोमानी का, जो कि जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वो जो तालिबान की सरकार को शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि वो तालिबान जिसको फिर कहूंगी मैं चुनी हुई सरकार के वक्तव्य का, उनके स्टैंड की प्रतीक्षा करूंगी। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, फॉरेन पॉलिसी इज द डोमेन ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, इस पर कुछ भी बोलना अभी गलत है। पहले सरकार बताए कि सरकार का स्टैंड क्या है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमको सरकार का जो क्या रुख है उस पर भी जो है पहले इंतजार करना होगा, कि सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी होगी कि वो तालिबान के साथ में किस तरीके से वार्ता चल रही है, चर्चा चल रही है, उसके बाद में ही कोई बयान देना सही रहेगा। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।